नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज की तारीख में पीएम मोदी हिंदू आस्था सभ्यता के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। जाड़ा हो या फिर गर्मी, बसंत बहार हो या फिर झमाझम बरसात, चुनावी मौसम हो या फिर परीक्षा की घड़ी, देश में हो या फिर विदेश में, पीएम मोदी का मंदिर मंदिर जाने का सिलसिला कभी थमता नहीं है। पीएम मोदी के लिए यूं ही नहीं कहा जाता कि वो असंभव को भी संभव करने वाले एक ऐसे शख्स हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जी हाँ, साल 2014 से लेकर अब तक जिस किसी ने भी मदद की गुहार लगाई है, पीएम मोदी ने हमेशा मानवता की मिसाल पेश की है। सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े पूर्व रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा के कैंसर से पीड़ित बहन का इलाज करवाना हो या फिर ओलंपिक विजेता मीराबाई चानू के इलाज और प्रशिक्षण में मदद करनी हो, इलाज के लिए मीरा कामत का 6 करोड़ का टैक्स माफ करना हो या फिर एक रिक्शा चालक की जिंदगी बदलनी हो, अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता करनी हो या फिर 8 साल की बच्ची की जान बचानी हो, ऐसे न जाने देखे कितने उदाहरण हैं जिसमें पीएम मोदी ने सामने आकर आम से खास हर किसी की सहायता की है। और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने एक पुजारी को सहायता का आश्वासन क्या दिया, हर जगह उनकी जमकर तारीफ हो रही है। या फिर यूं कहें कि जैसे ही मंदिर के पुजारी ने अपनी समस्या पीएम मोदी से शेयर की, चंद मिनटों में उसका निवारण हो गया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको समझाते हैं। असल में रविदास जयंती के मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के करोल बाग स्थित रविदास मंदिर पहुंचे थे और यहां उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। मंदिर में ना सिर्फ उन्होंने पूजा अर्चना की बल्कि महिलाओं संग कीर्तन में भी शामिल हुए। इस दौरान जिस चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो था पीएम मोदी का मंजीरा बजाना। श्रद्धालुओं के साथ पीएम मोदी ना सिर्फ भजन करते हुए दिखे बल्कि जमकर मंजीरा भी बजाया। इन सब के बीच जैसे ही पीएम मोदी ने मंदिर के पुजारी की परेशानियां सुनी, तुरंत उसके समाधान का आश्वासन भी दिया। बीते 7 सालों में लोगों का पीएम मोदी पर भरोसा कितना मजबूत हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। हर कोई उन्हें अपनी परेशानी बताने से हिचकता नहीं है। जैसे ही मंदिर के पुजारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी परेशानी बताई, उसका निपटारा भी चंद मिनटों में हो गया। दरअसल संत रविदास मंदिर में आरती के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां 15 साल से पूजा की जिम्मेदारी संभाल रहे पुजारी राम सहारी शुक्ला जी के पास जाते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। प्रधानमंत्री ने पुजारी से पूछा कि आप कहां के रहने वाले हो। जवाब में पुजारी ने कहा कि वो श्रावस्ती के रहने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पुजारी के बच्चों की पढ़ाई के संबंध में सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए पुजारी ने कहा कि वे अपने बच्चों के सरकारी स्कूल में एडमिशन को लेकर बहुत परेशान हैं। और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को उनकी परेशानी हल करने के निर्देश दिए। तो प्रधानमंत्री के इस निर्देश के बाद पुजारी भावुक हो गए। तो देखिए, इस तरह पीएम मोदी ने न सिर्फ पुजारी का दिल जीता बल्कि वहां मौजूद लोगों को भी अपना मुरीद बना लिया। देखा जाए तो चार धाम के विस्तारीकरण से लेकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, फिर दिव्य काशी विश्वनाथ धाम विशाल का एक कॉरिडोर हो या फिर दुनिया के मंदिरों का जीर्णोद्धार, इस तरह हिंदू आस्था सभ्यता के ब्रांड एम्बेसडर पीएम मोदी 135 करोड़ भारतीयों का दिल जीत रहे हैं।